अस्सलाम वालेकुम। आज आपने भी मानने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सूप, इसका नाम है टर्किश चिकन एंड न्यूरल सूप है। ये थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे इसको। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आप देख लें, तेल मेरे पास है यहाँ पर 3 टेबलस्पून और 40 ग्राम जितना मेरे पास सॉल्टेड बटर था, उन दोनों को मैंने अच्छे से गर्म कर कर मेल्ट कर लिया, ठीक है। और अब इसमें आप ऐड करेंगे 1 दरमियाने साइज की प्याज को चॉप कर लें, और फ्लेम आप हाई पर ही रखेंगे ताकि जो है हमने इसका कलर नहीं चेंज करना है। यहाँ पर फिलहाल जो है आपने इसको सॉफ्ट हो जाने देना है। तो यहाँ पर अच्छे से प्याज को सॉफ्ट होने दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। प्याज यहाँ पे नरम हो गई, तकरीबन उसको 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। बीच में आप चमचा चलाते रहें। और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें 2 डाल रही हूँ मैं, और लहसुन के जवे 3 अदद आपने इस तरीके से चॉप कर लेना। इसको मिक्स करें और साथ ही यहीं पर आप चिकन डाल देंगे, वरना अगर हम लहसुन का फ्राई होने का इंतज़ार करेंगे तो वो जल्दी कलर पकड़ लेता है और फिर जल जाता है। तो यहाँ पर जो है अब आप डालेंगे 2 बेलीफ यानी कि तेज़पात जाएंगे, और चिकन जाएगी बीच में 300 ग्राम। इनको आपने इसी के से जूलियन काट लेना है। आपको मैंने बहुत सी वैरायटीज़ दी हुई है सूप में, आप ज़रूर जा कर के उसको उसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर्स होता है तो आपका दिल चाहता है कोई चीज़ वार्म खाने के लिए या हॉट खाने के लिए। तो उसमें जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफरेंट डिफरेंट सूप सिखा रखे हैं। यहाँ पर चिकन को आपने जो है सिर्फ इतना ही करना है कि इसका कलर आप देखेंगे पिंक से वाइट की तरफ आ जाता है। बोनलेस है, कुकिंग जल्दी होती है, तो ये कि इसको यहाँ पर अच्छे से फ्राई होने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें आपने जो ऐड करना है वो है, सबसे पहले बीच में जाएगी सेलरी। ये अजवाइन का प्लांट होता है, ठीक है। ये आपको आसानी से मिल जाता है सैलड बार वगैरह की तरफ, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं ग्रोसरी के लिए तो आपको सैलड्स में नज़र आ जाता है। बेल पेपर 1 डालेंगे बीच में, शिमला मिर्च 2 हटा करके। तमाम चीज़ों को आपने इसी से चॉप कर लेना है। 1 आप गाजर डालेंगे कद्दूकश करके, उसे से मिक्स करते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद इसको आपने ढक कर कवर कर लें, और लो टू मीडियम पर रख करके इसको 7-8 मिनट दें, और बीच में आप चमचा भी चलाते रहें। तो एक 7-8 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक करने देते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ियाँ जो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी हमारी, फिर उसके बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से 7-8 मिनट के लिए लो टू मीडियम पर रख के पका लिया था, तो इसमें थोड़ी सब्ज़ियाँ सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब इसमें आप ऐड करोगे नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल्ड है। पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल, इनको इसमें अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। नमक आप पहले ही कम डालें, अगर आपको आगे ज़रूरत होगी तो आप अपने जाके एक मुताबिक इसमें फिर और डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आप डालते हो मैदा 2 टेबलस्पून है। नीचे फ्लेम लो टू मीडियम पर मैंने रखी हुई, ज़्यादा भी हाई नहीं की, और यहाँ पर इसको तकरीबन मैदे को सब्ज़ी और चिकन के साथ में 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चमचा बीच में चलाते रहें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने इसमें ऐड करना है चिकन का स्टॉक। पहले थोड़ा सा डालूंगी और फिर इसको मिक्स करूंगी, क्योंकि जो बीच में मैदा है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। यखनी का मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए थोड़ा डालने से ही क्या आप देख रहे हैं ना, गाढ़ापन है। अगर एकदम से डाल देंगे तो फिर बीच में लम्स बन सकते हैं, इससे पहले थोड़ा सा डाला था। तो ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 2 लीटर यखनी है, ठीक है। ये किस्सा बनाई थी आपको बताती हूँ। नोर के जो आपको क्यूब्स मिलते हैं चिकन के, वो आप लेंगे उबलते पानी में, पानी को उबाल लें और उसमें जो है तकरीबन 4 अदद नोर के क्यूब्स डाल दीजिएगा चिकन के, एंड दैट्स इट, वो आपका स्टॉक तैयार हो जाता है। अगर आप हड्डी के साथ अलग में चिकन के बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको लिंक जो है वीडियो के नीचे या वीडियो के अंदर दे दूंगी, वह भी आप ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन ये सिंपली नोर के जो क्यूब्स होते हैं इस रेसिपी में वही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये बहुत क्विक रेसिपी है। और विंटर्स वगैरह से मैंने आपसे कहा कि जब आपका दिल चाहे तो भी जल्दी से बना सकते हैं। इसमें एक जोश आ जाने दें और फिर इसका यहीं पर आप चेक कर लें नमक, क्योंकि मैंने और ऑलरेडी आपको बताया कि जो नोर के क्यूब्स होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। तो यहाँ पर इसको आप टेस्ट कर लें, अगर आपको लगता है नमक कम है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो देख लें सूप के अंदर में जो है जोश आना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो आप इसमें कोई भी पास्ता डाल सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ
नूडल्स, स्पेगेटी के जो नूडल्स होते हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ 100 ग्राम। आपने उनको छोटे छोटा काट लेना, तोड़ लेना है, ताकि जो है वो जब आप उसको खाएं तो वो आसानी से आपके स्पून के ऊपर आ सकते हैं, वरना फिर ज़्यादा लंबे वो स्ट्रिंग्स की तरह से लटकते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये डाल लेते हैं, इसको मिक्स करें, कवर करें, और जो भी आप स्पेगेटी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्वियसली उसकी पैकिंग के ऊपर अपना टाइम होगा कि 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट जिस तरह भी है उसी के से आप इसको फिर यहाँ पर बॉईल करेंगे, और उसी में जो है हमारी पास्ता अच्छी सी, सॉरी जो स्पेगेटी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे कुक करते हैं, जो मैंने इस्तेमाल की उस पर लिखा हुआ था 12 मिनट, तो मैं इसको 12 मिनट के लिए यहाँ पर कुक होने दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कि यहाँ पे सूप भी तैयार हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देती हूँ, अगर आप इसको गाढ़ा चाहते हैं ठीक है ना, तो आप इसको मजीद ना पकाएंगे कि हल्का सा थिकनेस की तरफ आ जाएगा, नॉट फॉरगेटिंग बीच में हमने जो मैदा डाला उसकी वजह से सूप गाढ़ा होता है ठीक है। और अगर आपने इसको पतला करना है तो फिर आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं, बट ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक है कि ये देख लें जब आप इसको खाएंगे तो बीच में आपके चिकन नूडल्स और साथ में जो वेजिटेबल्स हैं वो भी बीच में आएंगी। बहुत मज़ा बनता है, सिंपल सा सूप है, और इसको आप सर्व कर सकते हो गार्लिक ब्रेड के साथ में, क्रूटॉन्स जो होते हैं, तो कोई भी चीज़ के साथ में सर्व की जा सकती है। एंड में आप इसके ऊपर थोड़ा सा पार्सले डाल दें अगर है दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं ड्राई पार्सले यहाँ पे डाल रही हूँ, अबाउट टीस्पून। इसको मिक्स करती हूँ और इसे करती हूँ डिश आउट। इसको आप बनाते हैं, इसको सर्व कीजिएगा, ब्रेड ले लें, उस पर माजरीन लगा लें, बटर लगा लें, गार्लिक बटर मिलता है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, आपको उस घर पे भी बनाना सिखाया हुआ है कि गार्लिक बटर आप घर पे किस्सा बना सकते हो। ये सूप इतना मज़ेदार है, आप खुद बनाइएगा और आपने मुझे बताना जरूर है कि आपको कैसा लगा। एंड नॉट फॉरगेटिंग जो मेरी प्ले लिस्ट है सूप्स, प्लीज़ जरूर उसको जाके चेक कीजिएगा ताकि आपको एक वैरायटी मिल सके। नॉट फॉरगेटिंग इज विंटर्स, तो दिल चाहता है आपको, मैंने पहले भी गाया कि सूप वगैरह के लिए, तो रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइएगा आप, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव